वेल डियर स्टूडेंट्स, मायसेल्फ डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, सेठ आर एन भैया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एल्कीन्स, और एल्कीन्स में हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये पार्ट 11 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का एक लास्ट लेक्चर है। बच्चों, यहां पर हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, यानी यहां पर एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट और साथ में यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। बच्चों, यहां पर मर्करी मेटल बाहर निकलती है। देखिए, पहले वाले में दो बातें हम देखते हैं यहां पर, एक तो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, राइट, एंड सेकेंड वन इज द डीमर्क्यूरेशन। तो देखिए बच्चों, यहां पर एल्कीन्स मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ जल की उपस्थिति में योग करके, यहां बच्चों देखिए, एल्कीन्स मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर यहां पर एडिशन रिएक्शन होती है और फॉर्मेशन यहां पर क्या होता है बच्चों, दिस इज द हाइड्रोक्सी मर्करी कंपाउंड। एल्कीन के साथ एडिशन रिएक्शन होकर के हाइड्रोक्सी मर्करी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और बच्चों इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। जैसा मैंने बताया कि एल्कीन्स वाटर के साथ मर्क्यूरिक एसिटेट से रिएक्शन करती हैं, और यहां पर बच्चों ये डबल बॉन्ड, यहां क्या हो रहा है OH ग्रुप एंड HgOCOCH3, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन, राइट। नाउ द सेकंड वर्ब, ये जो बनता है यहां पर एडिशन कंपाउंड वाया ऑक्सीमर्क्यूरेशन, बच्चों इसकी रिएक्शन जब सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराते हैं, दिस ऑक्सीमर्क्यूरेशन ये कंपाउंड बनता है हमारा, दिस इज हाइड्रोक्सी मर्करी कंपाउंड। सी, दिस इज द हाइड्रोक्सी मर्करी कंपाउंड जो बनता है, ये कंपाउंड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है और द प्रोसेस इज अपचेन। बच्चों देखिए, लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम कॉमनली यूज्ड फॉर द रिडक्शन, इनके आते ही कौन सी क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती है। तो यहां पर हाइड्रोक्सी मर्करी कंपाउंड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन होता है और यहां पर एल्कोहल का निर्माण होता है और मर्करी मेटल मुक्त होती है। क्योंकि यहां पर मर्करी मेटल फ्री होती है, इसलिए बच्चों इसको कहते हैं डीमर्क्यूरेशन, राइट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीमर्क्यूरेशन। बच्चों, दिस इज द हाइड्रोक्सी मर्करी कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड द प्रोसेस इज रिडक्शन, इसे हम कहते हैं अपचयन। यहां फॉर्मेशन होता है एल्कोहल का और मर्करी मेटल यहां पर मुक्त होती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड डीमर्क्यूरेशन, राइट। बच्चों सेकेंड रिएक्शन, एडिशन ऑफ कार्बिन्स, तो एल्कीन की कार्बिन के साथ रिएक्शन। देखिए बच्चों, क्या होता है कि हम जब भी कार्बिन्स की बात करते हैं तो कार्बिन्स हम कहते हैं कि कार्बन जिसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बिन्स का मतलब है CH2, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, राइट, ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम जब भी कार्बिन की बात करते हैं तो कार्बिन के बारे में हमें समझना जरूरी है कि कार्बन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट, दीज आर नॉट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स
ऐसे हो सकते हैं। अर्थात यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्लॉकवाइज हो सकती है, एक की क्लॉकवाइज हो सकती है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, और दोनों की एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बच्चों कार्बीन के अंदर स्पिन कैसी है? पैरेलल। यहां पर स्पिन कैसी है? पैरेलल। यहां पर स्पिन कैसी है? अपोजिट। तो कार्बीन्स दो तरह की होती हैं। मैं बच्चों को याद करने के लिए बताता हूं, आप याद रखिए पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, पैरेलल स्पिन एंड अपोजिट स्पिन। और आप इसको कैसे याद करेंगे? पीटी और इसको एसओ, अपोजिट स्पिन मतलब सिंगलेट, राइट, और पैरेलल स्पिन इसका मतलब ट्रिपलेट। तो कार्बिन्स दो तरह की होती हैं, वे कार्बिन्स जिनमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल स्पिन के होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रिपलेट स्टेट, और वो कार्बिन्स जिनमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड सिंगलेट। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो बच्चों देखिए हम क्या देखते हैं, यहां पर हम देखिए यहां पर देखते हैं कि इस रिएक्शन को साइक्लोएडिशन रिएक्शन, देखो बेटा यहां पर एल्कीन की रिएक्शन कार्बीन के साथ, और क्या फॉर्मेशन हो रहा है? साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण होता है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? साइक्लोएडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बच्चों चूंकि यहां पर चक्र का निर्माण होता है इसलिए इसको कहते हैं चक्रीय संकलन रिएक्शन, राइट। बच्चों एल्कीन्स कार्बीन के साथ, कार्बीन में जैसे मैंने आपको बताया हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नॉट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है के साथ योगात्मक क्रिया करके साइक्लोएल्केन बनाती है। तो देखिए बच्चों यहां पर दिस इज द प्रोपीन, दिस इज द डाई एजो, बच्चों एक नाइट्रोजन को कहते हैं एजो, दिस इज द डाई एजो मीथेन। तो फॉर्मेशन यहां क्या हो रहा है? दिस इज मिथाइल साइक्लोप्रोपीन प्लस N2, राइट। इसका मैकेनिज्म कैसे बताते हैं हम? दिस इज द डाई एजो मीथेन, तो डाई एजो मीथेन से रिमूवल ऑफ N2 एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, राइट। और कार्बीन के बारे में मैंने आपको बता दिया है डिटेल में, ये कार्बीन यहां पर इसके ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ ये बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड यहां पर ये टूटता है, और बच्चों इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, और फॉर्मेशन होता है बच्चों यहां पर चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज द हाइड्रोबोरेशन। बच्चों देखिए दिस इज द एल्कीन, और एल्कीन किससे रिएक्शन कर रही है? डाइबोरिन के साथ। देखो बच्चों मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोरोन एंड इट्स कंपाउंड मैंने आपको पढ़ाया है, दैट इज 13th ग्रुप एलिमेंट है ना, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया है कि बोरोन क्या बनाता है? BH3, और इस BH3 से क्या बनता है? B2H6, इसको हम कहते हैं डाइबोरिन, राइट। बोरोन क्या बनाता है? B2H6, बच्चों B2H6 डाइबोरिन है ना, ये कैसा होता है? ब्रिज कंपाउंड। इसके बारे में मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोरोन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या है, ये तो है मोनोमर और ये इसका होता है डाइमर B2H6, राइट। देखो बेटा एल्कीन डाइबोरिन के साथ, बच्चों दिस इज द मोनोमर, होता क्या है यहां पर? यहां पर एक एक हाइड्रोजन, दिस कम्स हियर, इट मेक्स बॉन्ड विद दिस एंड दिस हाइड्रोजन कम्स हियर, राइट। इस तरह से बच्चों क्या बनता है यहां पर? यहां बनता है दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल बोरिन। एल्काइल बोरेन वापस रिएक्शन करती है, जैसे यहां पर रिएक्शन हो रही है, कहने का मतलब यह है
कि यहां पर एल्कीन एल्काइल बोरेन के एक एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती जाती है। तो बच्चों क्या बन गया यहां पर, यहां बन गया CH3CH2BH2। इसकी वापस एल्कीन के साथ रिएक्शन, एक हाइड्रोजन यहां रिएक्शन करेगा, देन डाई एल्किल बोरेन। अब यहां बचा एक हाइड्रोजन, वापस इसकी एल्कीन के साथ रिएक्शन, तो ये यहां पर रिएक्शन करेगा, दिस कम्स हियर एंड दिस मेक्स बॉन्ड विद दिस बोरोन। तो बच्चों यहां पर बन गया, दिस इज द ट्राई एल्किल बोरेन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्राई इथाइल बोरेन। यहां पर क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है बच्चों कि BH3, यहां पर BH3 का एक एक हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होता जा रहा है और यहां बन रहा है यहां पर ट्राई एल्किल बोरेन। बच्चों ये क्या बना रहा है, CH3CH2B, अगेन CH3CH2B इसका फॉर्मेशन हो गया, देन अगेन नेक्स्ट दिस हाइड्रोजन रिएक्ट विद दिस CH3CH2B, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्राई इथाइल बोरेन। इस तरह से बच्चों यहां पर हाइड्रोबोरेशन का प्रोसेस होता है। बच्चों ये ट्राई एल्किल बोरेन एसिड के साथ हाइड्रोलाइसिस करने पर, देखो बेटा दिस इज द ट्राई एल्किल बोरेन, इसका हम क्या करते हैं अम्लीय जलअपघटन, तो अम्लीय जलअपघटन करने पर ट्राई एल्किल बोरेन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनता है, एल्कीन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। जबकि क्षारीय परऑक्साइड के साथ, बच्चों एल्कलाइन परऑक्साइड के साथ ऑक्सीकृत होकर के ये बनाता है इथेनॉल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि ट्राई एल्किल बोरेन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने पर यहां एल्केन का फॉर्मेशन होता है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एथेन। बच्चों यहां डिपेंड करेगा, आपने यहां पर मिथाइल लिया है तो मीथेन बनेगा, इथाइल लिया है तो इथेन बनेगा, राइट। यहां पर हम क्या देखते हैं, ट्राई इथाइल बोरेन व्हेन रिएक्ट विद, देखो बेटा एल्कलाइन परऑक्साइड एट द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो यहां बच्चों क्या बन रहा है, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज H3BO3, राइट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हाइड्रोबोरेशन की एल्कीन डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करती है और ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन होता है, और ये ट्राई एल्किल बोरेन इसका जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो बच्चों एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और जब इस ट्राई एल्किल बोरेन का एल्कलाइन परऑक्साइड के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, सो दिस इज द हाइड्रोबोरेशन। बच्चों ये कई बार एक नंबर की इस रिएक्शन को पूछ लेते हैं, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एडिशन विद द कार्बिन्स। बच्चों इस रिएक्शन को मैंने साइक्लो एल्कीन्स के अंदर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लो एल्केन्स उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी मैंने इस रिएक्शन को बताया है। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज द लास्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखो बच्चों एल्कीन्स फॉर्मेल्डिहाइड के साथ एडिशन रिएक्शन, राइट, योगात्मक रिएक्शन, क्योंकि हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं यहां पर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन्स फॉर्मेल्डिहाइड के साथ योगात्मक अभिक्रियाएं देती है, एल्कीन की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो सबसे पहले फॉर्मेशन बच्चों क्या होता है यहां पर, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल, दिस इज 1,3 प्रोपेन, 1,3 डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। अब ये प्रोपेन 1,3 डाइपोल फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करके बच्चों दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइऑक्सीन, 1,3 डाइऑक्सीन का फॉर्मेशन होता है। बच्चों दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसके अंदर सिर्फ एक ये कंपाउंड है जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और मुझे याद है आज से 18-20 साल पहले इस रिएक्शन को अक्सर पूछते थे कि एल्कीन से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का सिंथेसिस, तो आप इसको ध्यान रखना कि फॉर्मेशन ऑफ डाइऑक्सीन, राइट। तो
मैंने आपको इस सत्र के अंदर इस सेशन में बच्चों देखिए मैंने आपको बताया ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सी एंड मर्क्यूरिक एसिटेट यहां पर एल्कीन के साथ एडिशन रिएक्शन होती है। और बच्चों इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ जब यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन होती है देन रिमूवल ऑफ मर्करी, राइट। सो दिस इज द रिमूवल ऑफ मर्करी, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द डीमर्क्यूरेशन, राइट। बच्चों सेकंड प्रोसेस में एडिशन ऑफ कार्बीन, तो कार्बीन की जब एल्कीन के साथ रिएक्शन होती है तो यहां पर बच्चों क्या बनता है, साइक्लिक एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, चक्रीय यौगिक बनते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट इज द हाइड्रोबोरेशन एंड द नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इस रिएक्शन को बच्चों आप ध्यान रखिएगा, यहां पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, दिस इज द 1,3-dioxane, राइट। तो बच्चों इस सेशन में इतना ही, दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू। Thank you.